बैंक से एक बात का और पता चला है, पिछले 25 सालों में हर साल जनवरी महीने के 1 से 10 तारीख के बीच में काली के अकाउंट में 1,00,000 रुपया डिपॉजिट होता रहा है। ये पैसा कहां से आता है और कौन जमा करता है उसे, इस बात का पता करने के लिए हमने बैंक मैनेजर से काली के सारे बैंक स्टेटमेंट्स मंगाए हैं। तो ये पेपर्स कब तक मिल जाएंगे आपको? पिछले 25 सालों के बैंक स्टेटमेंट्स जमा करने में खुश थी। लेकिन जैसे ही आपके पास ये पेपर्स आते हैं आप मुझे बता दीजिएगा। जरूर, जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे आसपास ही। एक बात और कहनी थी इंस्पेक्टर साहब। कहिए। वो लड़की जो रुमादी को लेकर गई है, आप उसके बारे में भी जरूर पता करिए, वो कौन है, कहाँ है, क्योंकि उस लड़की के जरिए आप काली तक पहुंच सकते हैं और काली प्रसाद ही है जो बता सकता है कि सबके पीछे कौन है। अच्छा, मैं चलती हूँ। छोटा सा काम नहीं कर पाए तो ये उसका लगातार पीछा किया सर। पहले वो अपने घर गई किसी को देखने। देखने? लेकिन वो तो अकेले रहती है। ये तो हमें मालूम नहीं सर किसको देखने गई। उसके बाद वो सड़कों पर किसी को ढूंढती रही, इधर से उधर बेतहाशा भागती रही सर। फिर कहाँ गई वो? यही हमसे गलती हो गई सर। उसके बाद वो गणेश विसर्जन की भीड़ में कहीं खो गई। हमने बहुत ढूंढा लेकिन मिली नहीं सर। लेकिन सर हम एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे हमें असलियत का पता चल जाएगा सर। बैठो। क्या है बताओ। सर मैं उस श्रुति का फोन नंबर लेके आया हूं जो अमेरिका में रहती है। इस वक्त क्या बजे होंगे अमेरिका में? मेरे ख्याल से 8:30 या 9 बजे होंगे सर। बेल जा रही है। हेलो, हेलो। मे आई टॉक टू श्रुति बैनर्जी प्लीज? या, स्पीकिंग। मिस्टर एम के बैनर्जी, इज ही योर फादर? या, हू इज स्पीकिंग प्लीज? हेलो, हेलो, व्हाट इज योर गुड नेम प्लीज? वो श्रुति तो उधर है, फिर ये श्रुति कौन है? एक्सक्यूज मी, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। ये औरत सुबह से लापता है। ये औरत तो हमारे पुलिस स्टेशन में 4-5 घंटे से बैठी हुई है। यहाँ पर? हाँ। ये औरत कौन लगती है आपकी मैडम? ये मेरी माँ है। ओके, आप इसमें सिग्नेचर करिए, मैं लेके आता हूँ। ये हनीमून का चक्कर। आइंदा मैं कभी हनीमून का जिक्र भी नहीं करूंगी। मेरी उलझनों की वजह से अपनी खुशियां कुर्बान करने की कोई जरूरत नहीं। और कोई चारा भी तो नहीं है ना अंकुश? अपनों की है ये बातें। आपका दिन कैसा रहा? अपनों से ही ना कहनी।
मंजिलें अपनी अपनी Nanda, I'm not in right now, but you could leave your message and I'll call you back. Bye-bye. मुझे पता है कि तुम फोन के पास ही बैठी हो, मगर फोन नहीं उठाना चाहती हो। मुझसे क्या गलती हुई? कम से कम ये तो मुझे बता दो। नंदा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं तुम्हारे बिना। प्लीज वापस आ जाओ। नंदा से बात हुई क्या? तूने ही कुछ उल्टी सीधी बात कह दी होगी उससे। मैंने उससे कुछ नहीं कहा है माँ, तो मेरा यकीन कर। मैं खुद इस बात को लेकर परेशान हूं कि वो किस बात से मुझे नाराज है। अरे अंकुश, कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा। देख, हम कभी कभी कुछ ऐसा कह देते हैं जिसके बारे में हमें खुद पता नहीं होता है। तुझे पता है एक बार क्या हुआ था? तेरी मां यानी रूमा दी एक बार नाराज होकर मायके चली गई। दीपक को भी नहीं पता था कि क्या कारण है, लेकिन फिर भी दीपक खुद गए और रूमादी को मनाकर वापस ले आए। तुझे पता है तब रूमादी ने क्या कहा? कम से कम इससे ये तो पता चल गया कि आपको हमारी चिंता है। देख, तू जा और नंदा को मना के वापस यहां ले आ। मुझे पता चलता है कि तेरी मां जिंदा है तो क्या तू मुझे भूल जाएगा? कैसी बात कर रही हो मां? सिर्फ तू ही मेरी मां है, सिर्फ तू। आज तक कोई अपनी मां को भूला है भला? बल्कि मुझे कभी कभी डर लगता है। जब से पता चला कि मैं सौतेला हूं ना, डर सा लगता है कि पता नहीं कोई तुझे मुझसे दूर ना कर दे। अंकुश, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तुझसे दूर कोई कर ही नहीं सकता।
ये सिलसिला कब खत्म होगा जया? अब मैं क्या बोलूं दादा? मेरी जिंदगी में हमेशा वही क्यों होता रहा है जिसकी मुझे कभी उम्मीद ही नहीं रही। जब भी कोई ठहराव आता है तभी कोई ऐसी सच्चाई सामने उभर के आ जाती है जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। दादा, कुछ सच्चाइयां भुला देने के काबिल होती है और कुछ झूठ ऐसे होते हैं जिन्हें मैं हमेशा याद रखूंगा। जैसे? जैसे ये कि पिछले 25 साल से मैं इस झूठ में जी रहा हूं कि तू और मैं एक ही मां के बच्चे हैं। ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। दादा, तू हमेशा छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बनाता है? हाँ, छोटी सी बात लग रही तुझे? हाँ, मेरे लिए छोटी सी बात है। क्या फर्क पड़ता है दादा, क्या फर्क पड़ता है अगर तू और मैं एक ही माँ के बच्चे नहीं है तो? एक मिनट, इतने सालों में तूने एक पल के लिए भी सौतेलापन महसूस किया है? बोलो, तेरे और मेरे बीच, माँ और तेरे बीच, नहीं ना? तो तू किस बात की शिकायत कर रहा है? मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये बात तुझसे शेयर कर रहा हूं। जानता हूं मैं कि तुम लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, जानता हूं। असली मां, असली बहन शायद इतना प्यार ना दे सके जितना तुम लोगों ने मुझे दिया। दादा, अगर तू मानता है कि हमारे और तेरे बीच इतना प्यार है तो यही प्यार हमारे रिश्ते की सच्चाई है दादा, समझा? फुटबॉल। मुझे पता चला आप पहले भी यहाँ आई थी, मुझसे मिलना चाहती थी। जी डॉक्टर साहब, उस दिन जब मैं आई थी तो मुझे पता चला कि आपके इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी, रूमा। जी हाँ थी। मैं उनके बारे में ही कुछ जानकारी चाहती हूँ। क्यों? डॉक्टर साहब, ये रूमा रॉय जिन्हें मैं तलाश रही हूँ ये मेरी बड़ी बहन है। शायद ये वो नहीं है क्योंकि उस पेशेंट का नाम हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में यहाँ पर रूमा रॉय नहीं, रूमा बैनर्जी लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब, मेरी बहन शादी से पहले रूमा बैनर्जी ही हुआ करती थी। ओ आई सी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? उन्हें यहाँ कौन लेकर आया था डॉक्टर साहब? कौन लाया ये मालूम नहीं, क्योंकि मेरे आने से पहले वो यहाँ पर थी। उन्हें हुआ क्या था? ट्रॉमा की शिकार थी वो, सीवियर ट्रॉमा। ऐसा अक्सर एक्सीडेंट में बचे हुए लोगों के साथ होता है। तो उनके सारे इलाज का खर्चा कौन उठाता था? हमें तो हर महीने रकम मिल जाती थी, एक आदमी दे जाता था, क्या नाम था उसका? काली प्रसाद। जी हाँ, वही सारा खर्चा उठाता था। शायद उनका दूर का रिश्तेदार था वो। लेकिन रूमा दी को यहाँ से लेकर तो एक लड़की गई थी ना? जी हाँ, उनकी बेटी मामूनी। मामूनी लेकर गई है उन्हें? कहां लेके गई ये तो मालूम नहीं, शायद घर ले गई होगी। उनका पता दे सकते हैं आप मुझे? रूमा जी का एड्रेस तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में है,
लेकिन मामूनी का आई एम सॉरी मुझे नहीं मालूम। आपने उस लड़की का पता नहीं लिया? माँ को बेटी के हवाले किया है इसलिए ज़रूरी नहीं समझा, शायद वो आपके शहर की ही है। हाँ याद आया, एक बार वो कह रही थी कि वहाँ किसी बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी कर रही है। डॉक्टर साहब आप यकीन से कह सकते हैं कि वो लड़की रूमादी की बेटी ही है? अब एक पागल और बूढ़ी औरत कितनी सेवा बेटी की सेवा कौन कर सकता है, और इसलिए हमने भी हमेशा यही माना कि रूमा मामूनी की माँ है और मामूनी रूमा की बेटी। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम।